अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमजा वसीम, PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज मार्केट 465 पॉइंट नीचे आकर बंद रही 75517 के पास। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 195 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स पे हुआ, जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर 446 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 16.4 अरब रुपए बनती है। तो अल्लाह का शुक्र, बड़ा ही जबरदस्त गाइड किया था आप लोग को। याद होगा लास्ट वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि 75850 से 880 का एक लेवल था, उस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाए तो आपने मार्केट से दूर हो जाना है। मतलब शॉर्ट टर्म या इंट्रा डे में कोई बड़ी लॉन्ग एंट्री लेकर नहीं बैठनी, क्योंकि चांसेस होंगे कि मार्केट मजीद नीचे आए। और आपने देखा 480 भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, उधर से ही मार्केट घूमी। इसको मजीद हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, लेकिन आज की जो मार्केट थी ना वो थोड़ी आप कह लीजिए, क्योंकि हमने एक तो देखा कि फ्राइडे वाले दिन एक जबरदस्त तेजी आई। जो घबराने की बात है वो ये है कि बावजूद इतनी अच्छी तेजी की फ्राइडे के, उसके बावजूद मार्केट आज इसको कंटिन्यू नहीं रख पाई। खुलते साथ थोड़ी ऊपर गई, वो तो मार्केट का मामूल बन चुका है ऊपर जाना शुरू में। और फिर जो मार्केट ने अपना रास्ता है वो नीचे की तरफ जो है वो इख्तियार कर लिया, और वे मजीद नीचे ही आती गई। ऑल्दो इंट्राडे रिकवरी सो देखने को मिली, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है और जो कि कंप्लीटली कह लीजिए रेगुलर है, ये तो देखने को मिलती है, तो वो तो कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं थी। लेकिन वही बात है कि मार्केट फिर नीचे आकर बंद रही, ये थोड़ी जो है ना ये अलर्टिंग बात हो जाती है। मजीद हम इसको टेक्निकल्स पे देखेंगे। ये तो मैं आज के सेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, कैसा रहा। वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं रहे, ठीक है। आपने देखा होगा जुम्मे वाले दिन जो है वो हमने बेहतर वॉल्यूम्स देखे थे, और आज जो है वो कम वॉल्यूम्स देखने को मिले, काफी कम। मतलब जुम्मे वाले दिन 300 से ज्यादा वॉल्यूम का काम है, तो आज 200 भी हम क्रॉस नहीं कर पाए, ये एक नेगेटिव चीज हो गई। उसके अलावा वैल्यू भी ज्यादा, ट्रेडेड वैल्यू की भी कमी है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये कुछ जो वॉल्यूम हुए भी तो वो भी छोटे आइटम में, जैसे के इलेक्ट्रिक, सिमेट्री, WTL, दीवान सीमेंट, हम नेटवर्क, मतलब छोटे आइटमों में काम हो रहा है, ये थोड़ी मजीद हो जाती है। और उसके अलावा फिर रेट में मजीद गिरावट देख रहे हैं आप। देखें अगर तो सीमेंट सेक्टर में DGKC हो गया, अच्छी खासी गिरावट देखी हमने, अच्छी खासी, मतलब 1-1.5 रुपए भी गिर ही रहे ये भी रोज। उसके अलावा आप स्टील सेक्टर में देख लें, ISL, मुगल कैसा जोरदार गिरा, ऑल्दो फ्राइडे को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन आज उसको अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है। ऑटो सेक्टर में फिर भी अच्छी मूवमेंट आई, जैसे HCAR अच्छा खासा ऊपर गया, जैसे सारे आज की अर्निंग आई, अच्छी अर्निंग आई, 6.5 रुपए डिविडेंड भी दिया, तो खैर हमारी इसके ऊपर कॉल वैसे भी मौजूद ही थी, अल्लाह का शुक्र इससे हमारे टारगेट्स भी हिट किए। उसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ, सेकंड 30 स्टॉक्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, चाहे वो GGL हो, GGL हो और TPLP हो, उन सब के अंदर भी हम एक प्रेशर देख रहे थे। तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा आज प्रेशर में था, चाहे आप देख ले तो चिराट सीमेंट या पायोनियर सीमेंट, तो सब में एक डिसेंट गिरावट देखी। फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी प्रेशर आया, फिर दूसरे आइटम जैसे पार्क इलेक्ट्रो, तो ओवरऑल एक प्रेशर वाला माहौल था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अच्छे आइटम आज रहे वो थे बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर आपका अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। अब आप देखें अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स में, तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर था फैसल बैंक, फिर था सिस्टम थोड़ा अच्छा खासा 430 रुपए पे आ गया, अच्छा खासा इसने जंप दिखाया। फिर आपको याद होगा सिस्टम्स के हवाले से हमने बताया था 380 रुपए पे, इसका रिजल्ट बहुत ही बेकार आया था, उसके ऊपर इसको बेहद गिराया था, और हमारी वीडियो आई सिस्टम्स के ऊपर आई, ठीक है। और हमने इसका साफ वाजे किया कि इसकी अर्निंग क्यों कम आई, हमने AVN अच्छा खासा गिर गया था, उसके ऊपर वीडियो लाई, सिस्टम्स के ऊपर वीडियो लाया कि नहीं, इनकी अर्निंग जो आपको लग रहा है वैसा नहीं है, इनकी अर्निंग अच्छी है, वो सिर्फ और सिर्फ जो अदर इनकम थी उसकी वजह से इनकी अर्निंग अफेक्ट हो रही है। वो खैर मैंने बहुत डिटेल में बताया था डॉलर और उसका, तो आप देखें खाली अगर आपने उस वक्त ले लिया होता। अब जिन लोगों ने अर्निंग देखकर फेंका, अब वो लोग क्या होते हैं, लोग जो है ना ऊपर ऊपर की चीजें देखते, इन्वेस्टिगेट नहीं करते, ठीक है ना। आपने देखा हमने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के साथ आपको बताया, नहीं ये जो सिस्टम्स है इसकी अर्निंग अच्छी है, इसकी ग्रोथ जबरदस्त हो रही है, पिछले साल अदर इनकम ज्यादा हुई थी डॉलर बढ़ने की वजह से, इस बार डॉलर नीचे है उसके बावजूद भी इनकी अर्निंग ठीक है, अच्छी है बहुत। और आप देखिए आज सिस्टम उस लेवल से 50 रुपए बढ़ गया। AVN आपको किस रेट में बताया था, ऐसे एक आइटम नहीं, आपको हमने काफी आइटमों की केस स्टडी बताते रहते हैं जहां हमें कोई मौका लगता है, ठीक है ना, कि भाई कोई इंटरेस्ट रेट से इफेक्ट हो रहा है, तो कोई एक्सचेंज गेन की वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये हम अपनी YouTube चैनल के थ्रू बताते रहते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके की मालूमात अगर आप चाहते हैं आपके आप तक पहुंच सके तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप लोग को याद होगी सिस्टम सी कॉल, तो लाजमी लाइक कीजिए इस वीडियो को, फिर सर्विस हो जाता है PSEL, HCAR, HBL, पार्क टोबैको, यूनिटी, हेस्कॉल,
AICL, हाई नोन, डॉलमेन सिटी रीट, ATR और ये जंस्क्रिप्ट हो जाता है। जब डिक्लाइन साइड पे FFC, PPL, OGDC, MCB, HUBCO, PSO, बैंक ऑफ फिला और ये जंस्क्रिप्ट हो जाते हैं। अच्छा, इवन फैसल बैंक की भी मैं बात करूं तो इसी YouTube चैनल पे हमने फैसल बैंक की कॉल दी थी, गालिबन वो 3600 रुपए के पास था, बताया 36 से 37 के दरमियान इसको जमा करें, और मेरा नहीं ख्याल उसके बाद 36 के नीचे आया उस वीडियो डालने के बाद। 36 से 37 के दरमियान में ऑल तो बार बार घूमता रहा लेकिन 36 नहीं तोड़ा, और आपको एक बात बताई गई थी इसको जमा करें और इसको कभी इसको ये बेचने वाला आइटम ही नहीं है। और आप देखिए 36 से आज कहां पहुंच गया, ये पहला मतलब 8% का आज लॉक था ना, आज से लॉक बढ़ गया है, 7.5 था अब 8 हो गया है, अगले मंडे 8.5, फिर उसके अगले मंडे साढ़े फिर 9 हो जाएगा, फिर 9.5, फिर 10, तो 10% तक का टारगेट है, 10% तक लेकर जाना है अपर लॉक और लोअर लॉक। तो बहरहाल आप देखिए अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इन सबसे फायदेमंद होंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं अमरेली स्टील के हवाले से, ठीक है, इस तरीके से आगे इन द फ्यूचर कोई और ऐसा आइटम होगा जो जिसको हम बता सके, जो लोग यूजुअली जो है ना वो नंबर्स देखकर बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्निंग्स पर शेयर वो बॉटम लाइन को ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना, वो नहीं देखते कि जो उनको दिखाया जा रहा है ना हकीकत कुछ और है। तो हमें सिर्फ लोगों की बातों पर नहीं मानना चाहिए, हमारा इस मेरे उसूल है कि मैं अगर कोई भी चीज आपको बताता हूँ विद डिटेल प्रूफ बताता हूँ कि नहीं इसका ये सब कुछ है, फुल डेटा आप लोगों के साथ निकाल कर शेयर करता हूँ फिर ही एक चीज को बताता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में, ठीक है ना, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। बहरहाल अब टाइम नहीं है बाकी ये टॉप एक्टिव स्टॉक्स को डिस्कस करने का, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। एनीवेज अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी मूवमेंट दे सकती है। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त मौजूद हूँ केसीएल इंडेक्स के डेली टेक्निकल चार्ट पे, और आप देख सकते हैं आज की कैंडल ऊपर ओपन हुई, मार्केट गैप अप एज यूजुअल, लेकिन नीचे आकर बंद रही, वॉल्यूम्स बड़े नीचे आ चुके हैं, डिप्रेसिंग माहौल होता जा रहा है, वो जो ट्रेडिंग का पहले माहौल था अच्छे वॉल्यूम के साथ वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। साथ ही में मार्केट ने पिछली कैंडल को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी, पिछली जो बुलिश कैंडल थी 868 पॉइंट की मार्केट ने उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की और नीचे आ गई, उसका ऐसा इन्फ्लुएंस ही नहीं रहा। अच्छा ये बात इसलिए भी समझ में आती है क्योंकि जब सैटरडे संडे आ जाता है ना एक हॉलीडे आ जाता है तो फिर ऑलरेडी जो है ना वो लास्ट डे की परफॉर्मेंस जो है ना वो उसका जो अफेक्ट होता है वो ऑलरेडी कम हो जाता है, जाहिर सी बात है 2-3 दिन का टाइम होता है इसमें कुछ न्यूज आ रही होती है लोग भूल भी जाते हैं, वरना आप यूजुअली देखेंगे अगर 800-1000 पॉइंट की तेजी होती है किसी दिन तो नेक्स्ट डे भी 300-500 पॉइंट मार्केट अच्छी होती है और एक यूजुअली एक अच्छा बंद होती है। इसका आज के दिन अच्छी मूवमेंट का इसलिए भी नहीं था कि मार्केट एक वीकेंड बीच में आ गया था, वरना अगर ये नॉर्मल डे होता तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते कि मार्केट अच्छी रहती। एनीवेज ये तो कुछ मैं आपको डेली चार्ट बता रहा हूँ, अब शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से चलते हैं। तो एक तो आपको लेवल बताया गया था 75,888 के पास था ये लेवल, ये मैंने कैसे निकाला था आप लोगों के सामने था, फिबोनाची लगाया था स्विंग लो से 74,726 का मार्केट ने लो लगाया था 23 मई को, फिर एक जबरदस्त मूवमेंट दिखाई फ्राइडे को 76,248 तक। तो अगर उधर से लेकर उधर तक मैं एक फिबोनाची प्लॉट करूं तो 78,889 का लेवल आ जाता है, आपको बताया था इस लेवल के नीचे मार्केट प्रेशर होगी, आपने देखा जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट अगला लेवल हिट किया 75,667 का, और जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दी तो एक अगला जो लेवल था 75,487 का उसको हिट किया, मतलब टारगेट तो मार्केट ने सही हिट किया, ठीक है ये आवर्ली बेसिस पे। फिर मार्केट ने रिकवरी ली बट अनफॉर्चुनेटली जो 75,889 या 900 का लेवल था इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने में मार्केट जो है वो कामयाब ना रह सकी, और फिर वंस अगेन उधर से रिवर्सल आया, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट गिरी थी तो कुछ रिकवरी आई और वंस अगेन मार्केट में रिवर्सल आया और अपने लो के पास आकर बंद रही है, जो कि एक डेफिनेटली एक नेगेटिव चीज हो जाती है। अब इस वक्त बात करूं तो ये जो लेवल है 75,487 ये एक मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, अब सपोर्ट लेवल के पास ही बन रही है। अब जैसे आप लोगों को पहले भी एक बात बताई हुई है कि क्योंकि मार्केट जो है वो इतनी आजकल क्योंकि अप ट्रेंड में तो यूजुअली हम सुबह सुबह थोड़ी तेजी देख लेते हैं, ठीक है, अगर अगर कल भी थोड़ी 100-200 पॉइंट की तेजी हो जाती है मार्केट में तो उसके अंदर एक तो हमें फौरन उसको बिलीव नहीं कर लेना जब तक मार्केट उसको वाकई में जो है ना वो सिक्योर करने की कोशिश ना करे, सिक्योर से मुराद कि नहीं वाकई में अपने लेवल्स को मजबूत करे, वाकई में मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड रहे, वाकई में वॉल्यूम्स बढ़े, वॉल्यूम्स होना जरूरी है मार्केट में, और वाकई में मार्केट जो है उसके अंदर आइटमों में भी तेजी हो और आइटमों में वॉल्यूम्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी हो, ऐसा नहीं सिर्फ छोटे वॉल्यूम्स के अंदर काम हो रहा है और लंबे टाइम के लिए मार्केट जो है ऊपर है, ऐसा नहीं 10 मिनट के लिए मार्केट
आज जैसे रोज 100-200 पॉइंट ऊपर खुल रही है तो उस पर भरोसा नहीं करना है। 75,900 इंपॉर्टेंट लेवल है, अलबत्ता इस लेवल के ऊपर मार्केट ब्रेक करती तो कुछ हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे, ठीक है ना, कुछ हद तक। फिल वक्त के लिए मार्केट थोड़ी डिप्रेस बन रही है और चांसेस यही है कि मजीद अगर ऊपर जाती है तो कुछ प्रेशर आ सकता है, ठीक है ना। 75,900 फिल वक्त इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक इसको ब्रेक ना करे बेहतर है कि कोई रिस्क ना लिया जाए, लिमिटेड रिस्क लिया जाए, ठीक है ना। मजीद अगर देखा जाए तो इस वक्त मार्केट का एक मेन लेवल मौजूद है, मेन मैं बता दूं 75,300 के पास है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर आपके पास जो सपोर्ट्स आएंगे वो होगा 75,000, 74,800, वो लेवल्स के पास होगा, ठीक है ना। इस वक्त जो बिग लेवल्स पे मैं बात कर रहा हूँ, पूरी जो मार्केट ने बहुत बड़ी जो एक वेव बनाई है, इस वेव को आप समझ ले, वो वेव मार्केट ने कहाँ से बनाई है, वो बनाई है तकरीबन 2 मई को जो मार्केट ने लो लगाया था 70,562 का, ये जो लो लगाया था, उसके बाद जो मार्केट ने तेजी की कहां तक की 76,250 तक, ये जो मार्केट की सारे तकरीबन 6,500 पॉइंट की रैली थी, ये जो इतनी बड़ी रैली थी, ये इतनी बड़ी जो वेव थी, उसके दरमियान में हमने माइक्रोवेव देखी, मार्केट ने छोटी छोटी वेव्स बनाई। आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जो है वो मूव कर रहा है माइक्रोवेव्स पे, तो मार्केट ने उस वेव्स के दरमियान में माइक्रोवेव्स बनाई। तो ये जो अल्टीमेटली ये जो बड़ी वेव थी ना 6,500 पॉइंट की तेजी की, उसके उस बेसिस मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे या बड़े पर्सपेक्टिव पे जो हमारे पास एक मेजर लेवल आ रहा है वो 74,900 आ रहा है। और लास्ट टाइम हमने देखा कि मार्केट 74,900 और 800 के पास किस तरीके से सपोर्ट ले रही थी, तो ये जो 74,800-900 है ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, और ये इतना अच्छा लेवल है कि मैं नहीं समझता कि मार्केट इसको वन गो में ब्रेक, अगर अल्लाह ना करे ब्रेक करना भी वाना तो मार्केट मुझे नहीं लगता इसको वन गो में ब्रेक करेगी। अच्छा लेवल है, इस लेवल से भी आप 2-500 पॉइंट की रिकवरी इस लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये इतना अच्छा लेवल है। तो ये हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल मौजूद है, अल्लाह ना करे इस लेवल को भी ब्रेक कर देती तो देखिए मंदी तो नहीं होगी लेकिन जो है ना मार्केट में जो तेजी थी ना वो एक पॉज में आ जाएगी, और पॉसिबल है कि मार्केट साइडवेज चली जाए या थोड़ी थोड़ी नीचे आती जाए, ठीक है ना। तो 74,800 का इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रहे पिछली बार भी मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जा पाई थी, 74,700 आ जाना वो एक अलग बात है, लेकिन आवरली बेसिस पे मार्केट इसके नीचे नहीं बंद हुई थी। तो अगर आवरली बेसिस पे अल्लाह ना कर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो हालात इसलिए भी थोड़े मार्केट में संजीदा हो जाएंगे क्योंकि पिछली बार मार्केट ने इससे सपोर्ट ली थी इस, और ये प्रीवियस लो है, और अगर कोई न्यू लो अगर मार्केट दे दे तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना उस पर शक पैदा हो जाता है कि नहीं यार ये अप ट्रेंड तो अब थोड़ा वीक हो गया है, तो इन चीजों का ख्याल रखें, ठीक है। मार्केट अभी तो सेफ है, अब इस वक्त तो कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट तो तेजी है लेकिन लेवल जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मार्केट को जो है इंडेक्स को वो लोग सपोर्ट बनाकर रख रहे, इंडेक्स को खड़ा रख रहे, आइटम जो है वो गिरावट का शिकार है, ठीक है। मुख्तलिफ आइटम आप देखेंगे सब जो है वो अपनी अपनी कनेक्शन में जो है वो मौजूद है और सबके अंदर गिरावट आ रही है सिवाय चंद एक आइटम के जो इंडेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा एहतियात जरूरी है। मैं आपको पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल जो मौजूद है वो है 75,300 कल के लिए, फिर आपका आ जाएगा 75,000 का राउंड लेवल 75,000, फिर आपके पास अगला लेवल आएगा 74,850-800 का लेवल, ठीक है, फिर 74,500, ये लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल्स। और 75,000 एक वैसे भी साइकोलॉजिकली एक इतना अच्छा लेवल है कि ऐसा लगता नहीं कि इसको मार्केट इतनी इजीली ब्रेक कर पाएगी, तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता है इस लेवल के साथ 74,800 से 75,000 के लेवल से कि इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगी। अल्लाह ना करे ब्रेक करती है तो फिर ये एक आपके लिए पहला जो है वो घंटी हो बज जाएगी खतरे की, ठीक है ना। मंदी तो लंबी मंदी तो नहीं होगी लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि मार्केट नॉनस्टॉप बढ़ी तो थोड़ी गिरावट जो है वो मार्केट का हक बनता है, ठीक है ना। तो बस वो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करना होगा हमें उस वक्त, इस वक्त तो कोई मार्केट में टेंशन वाली बात नहीं है। फिल वक्त मैं ये कहूंगा कि देखिए जहां मार्केट अपसाइड का मौका देना वहां प्रॉफिट को जाने मत दीजिएगा, वो नफा जरूर बुक कीजिएगा। शॉर्ट टर्म की बात करो, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठे वो एक अलग बात है, ठीक है। इस वक्त मार्केट ने अपना फिल वक्त एक टॉप सेट कर दिया 76,250 का, फिल वक्त तो यही टॉप है और जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी मार्केट जो है वो सपोर्ट नहीं ले सकती। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर आपको बाइंग करनी है तो अल्लाह ना करे अगर मार्केट नीचे आती है, हो सकता है कल ना आए परसों आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर आती है तो ये 74,800 और 75,000 लेवल के पास कुछ रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। इस लेवल पर आप रिस्क ले सकते हैं,
और 500-600 पॉइंट का आपको एक जंप मिल सकता है इस लेवल के पास। तो इस लेवल पे आए ना मार्केट, तो बहुत छोटा सा रिस्क ले सकते हैं आप। छोटा सा मतलब कि आपका स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, टारगेट कितना होगा 500-600 पॉइंट का आराम से होगा। ठीक है, आइटम किस तरीके से सेलेक्ट करने चाहिए, देखिए अगर आप इंडेक्स को देखकर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो एक बात याद रखें, जो लोग इंडेक्स को देखकर ट्रेडिंग करते हैं उनको मैं ये एक आपके लिए टिप दूंगा कि जिस दिन, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आज इंडेक्स के साथ काम कर रहा हूँ, इंडेक्स को देखकर काम कर रहा हूँ, तो आज के दिन मैं उस स्टॉक को देखूंगा जो मार्केट के साथ ज्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, उस स्टॉक के अंदर फिर मैं काम करूंगा, ये तरीका कार होना चाहिए। क्योंकि डेली के आइटम चेंज होते रहते हैं, कुछ आइटम 2-3 दिन तक मार्केट के साथ चलते हैं, कुछ आइटम 1 दिन चलते हैं, तो आपने डेली का देखना होता है, नहीं आज कौन सा आइटम मार्केट के साथ चल रहा है वो ढूंढने का तरीका ये है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि टॉप वॉल्यूम लीडर्स में से ढूंढ ले। यूजुअली वो जो स्टॉक्स होते हैं वो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में से ही होते हैं, यूजुअली मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ स्टॉक होते हैं वो वैसे भी मार्केट के साथ चलते हैं। ठीक है ना, बहरहाल ये तरीका कार है, मैंने आपको मार्केट के लेवल्स बता दिए। रेजिस्टेंस लेवल है पहला 75,900, 76,200 दूसरा, और फिर 76,500, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। सपोर्ट लेवल भी बता दिया, काफी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में मार्केट का आपको स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा था। मार्केट का स्ट्रक्चर एक बार समझ जाएंगे ना तो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। फिलहाल मैं बता दूं, कोई घबराने वाली बात नहीं, मंदी की कोई भी बात नहीं है, बस ये लेवल्स आपको बता रहा था मैं। इसी तरीके से मैं बात करूँ डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में, तो डीजीकेसी आप देखिए अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है। आप लोग को याद होगा मैंने वीडियो में बताया भी था कि 88 जो है, लास्ट वीडियो में 88 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो ही ये अपनी अपसाइड वाली रेंज पर जा पाएगा जो कि 90-92 की बनेगी। लेकिन आपने देखा नहीं, ये 88 को ब्रेक करने में इस बार भी कामयाब नहीं हुआ। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट, लेवल्स के साथ हम काम करेंगे ना तो हमें पता होगा कि हम राइट टाइम पे एंट्री ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ठीक है ना, तो आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से बताया भाई 88 जब तक ये ब्रेक ना कर ले ये अपनी तेजी नहीं कर सकता, आज वापसी रिजेक्ट हो गया ये। अभी इस वक्त बात की जाए तो 83 अच्छा लेवल है इसका, सॉरी 85 का जो सपोर्ट लेवल है ना, ये इसका रीसेंट लो है, स्विंग लो है, और प्रीवियसली इसी लेवल से अच्छा सपोर्ट ले चुका है। तो अल्लाह ना, अब ये इसी लो के पास बन रहा है, अल्लाह ना करे ये इसको ब्रेक करता है 84-80 करीब बनता है ये, उससे नीचे नीचे ट्रेड करता है, फिर ये जो इसके अंदर प्रेशर है ना वो मजीद बढ़ सकता है, सपोर्ट लेवल 83-50-82 के आएंगे। इसी तरीके से आपको याद होगा मैंने ट्रेड की जब लास्ट एनालिसिस की थी, जब 17 रुपए के पास चल रहा था, उस वक्त हमने आपको बताया था कि देखिए ट्रेड है ना, मैं इस वक्त रिकमेंड नहीं करता बाय करने को, इसको कब करने बाइंग, जब 16-20-30-10 उस लेवल पे आए। आपने देखा वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ट्रेड, वो आता है नीचे कभी 16 कभी 15-80 भी आ जाता है, और फिर वापसी आपका बिकता कितने लेवल पे, 17-17-10-20 उस लेवल पे। ठीक है ना, तरीकाकार ये होना चाहिए आइडेंटिफाई करें ट्रेंड्स को। अब ट्रेड जैसे नीचे आए डिप्स पे आए तो वो अच्छा है, थोड़े ऐसे ले सकते हैं, डबल जीएल नीचे आए 10 रुपए पे, 9 रुपए 90 पैसे, 10 रुपए 1 पैसे, 5 पैसे, उन लेवल्स पे पास जमा करना चाहिए। टीपीएलपी 11 रुपए के नीचे आए तो वो थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये वो आइटम है आजकल, ये वो आइटम बन चुकी है जिनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही, वो लिमिटेड रेंज है 1 या 2 रुपए के उसके अंदर चल रहा है, उसको जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर सके उतना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ट्रांजिशन करती रहती है, और हम जितना जल्दी मार्केट को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि नहीं अब पहले मार्केट 1,000 पॉइंट, एक मिसाल के 1,000 पॉइंट की रेंज में चलती थी, हम 1,000 पॉइंट में खेलते थे, अब 2,000 हो गई है, अब आप जितना जल्दी उस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे ना उतना जल्दी आप ज्यादा कमा पाएंगे। ठीक है ना, आप तो कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी मार्केट के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है ना, वो 10 बार आपका सही होगा, 1 बार गलत तो एक्सेप्ट करके निकल जाए, 9 बार आप नेट फिर भी सही है, इस तरीके से काम किया जाए। पहले ईपीसीएल चलता था बहुत ज्यादा, अब नहीं चलता, अब 1-2 रुपए की रेंज है, वो भी मजेदार रेंज नहीं है, अवॉइड करो ना कि ये लेकर ही हम बैठे रहे। मैं नहीं कहता आज चलेगा नहीं, चल जाएगा इन द फ्यूचर होपफुली इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त अगर वो नहीं चल रहा दूसरे आइटमों में काम करना चाहिए। मैं देखता हूँ अभी भी लोग ईपीसीएल, भाई ईपीसीएल के अंदर भी गेम ही नहीं बनी, ट्रेंड बनेगा हम 2-3 रुपए ऊपर ले लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन उस 2-3 रुपए के लिए हम ये 2-4 महीने तो वेस्ट ना करें ना, पैसा अच्छी जगह एलोकेट करें जहाँ हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। लॉटे केमिकल, इसी तरीके से हमने आपको जितने भी आइटम बताए वो जो है रेंज के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से बताते हैं। मुझे याद नहीं गालिबन ये 18 समथिंग चल रहा था उस वक्त, हमने बताया था नहीं मजीद नीचे आ सकता है 70 रुपए तक, आया लॉटे केमिकल भी नीचे। ठीक है ना, तो बहरहाल कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें, और अगर नुकसान हो रहा है आपको लग रहा नहीं आपने गलती की, लेकिन जो है आप दिल दिल की मत सुना करें, दिमाग से काम लिया करें। तो बहरहाल ये कुछ मार्केट के हवाले से मैंने आपको काफी डिटेल में बताया, स्टॉक्स के हवाले से काफी डिटेल में बताया, तो इसके साथ मैं भी जाना चाहता हूँ।
वीडियो अच्छा लगे हो तो लास्ट में लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।